हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ई के 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इसके अलावा किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और विटामिन ई का सही डोज क्या है लेने का। इसके अलावा जानेंगे कि किन किन फ्रूट्स में विटामिन ई पाया जाता है। चलिए तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और साथ में एक साथ अलग अलग प्रकार के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिनको हम अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं। इन्हीं अल्फा टोकोफेरॉल के कारण विटामिन ई के अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स छुपे होते हैं। तो आइए जानते हैं इनको डिटेल्स में। विटामिन ई लेने से सबसे पहला और मेजर हेल्थ बेनिफिट्स होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें फ्री रेडिकल डैमेज होने लगता है आपकी बॉडी में, उनसे विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है। अब जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। एक्चुअली जब हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनके कारण नतीजे में आपको फ्री रेडिकल्स देखने को मिलते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जब भी हमारी किसी सेल्स में जाते हैं तो उस सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स भी बढ़ते जाते हैं और हमारे बहुत सारे शरीर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जैसे समय से पहले बुढ़ापा आना। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में ब्लॉकेज या हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा आपको लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सभी प्रॉब्लम्स जो आपको एज फैक्टर के साथ आती है, उन सभी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत रोल होता है और इन सभी को कम करने के लिए विटामिन ई एक अच्छा रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसका दूसरा मेजर हेल्थ बेनिफिट होता है हार्ट के लिए, यानी दिल की बीमारियों के लिए। जनरली जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती है उसमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जो कि जनरली आपको खराब खाने से बढ़ता है। दूसरा है आपको ट्राइग्लिसराइड्स का, अगर उसका लेवल बढ़ रहा है। तीसरा कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। चौथा कारण हो सकता है आर्टरीज में कड़ापन आ रहा है, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण आर्टरी में शक्ति आने लगती है। इन सभी पॉजिटिव फैक्टर्स को विटामिन ई बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, यानी कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करता है, प्लेक्स फॉर्मेशन को भी रिड्यूस करता है। यानी कि ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन ई काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा इसका हेल्थ बेनिफिट होता है फैटी लिवर की कंडीशन में, स्पेशली नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर की कंडीशन में। फैटी लिवर वो कंडीशन होती है जिसमें आपके लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है। स्पेशली जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है, अल्कोहल ना लेने यानी शराब ना पीने के कारण भी आपको अगर लिवर में फैट डिपोजिशन हो रहा है तो वो आगे जाकर आपको सिरोसिस की कंडीशन पैदा कर सकता है। अगर वो ट्रीट नहीं किया गया तो आपको परमानेंट लिवर डैमेज भी हो सकता है। इन सभी कंडीशंस को ट्रीट करने में यानी फैटी लिवर को ट्रीट करने में विटामिन ई काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, इसका चौथा हेल्थ बेनिफिट होता है डिसमेनोरिया के कंडीशन में। जिन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि पीरियड्स के टाइम पे पेट में काफ़ी दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। डिसमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी डे टू डे लाइफ अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर आप विटामिन ई के साथ फिश ऑयल का यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप विटामिन ई का सिंगली यूज़ करते हैं तो भी इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ऐसे केसेस में। पांचवा है विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब विटामिन होता है, क्योंकि आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब टेंशन बढ़ता है आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती है यानी आपकी स्किन टाइट होती है, ये एजिंग प्रोसेस को स्लो करने का काम करता है। इसके अलावा आपने बहुत सारे ऐड में देखा होगा कि जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें कोलेजन जो प्रोटीन है उसको बढ़ाने की क्षमता होती है, और इसलिए आप अगर विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं तो आप एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। आपके ओवरऑल हेल्थ के साथ आपकी हेयर हेल्थ के लिए भी विटामिन ई काफ़ी अच्छा होता है।
ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। कॉग्निशन यानी किसी चीज़ को देखकर उसको याद रखने की पावर यानी मेमोरी पावर को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा ये बुजुर्गों में होने वाली एक डिजीज़ होती है जिसमें कि ब्रेन की जो मेमोरी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ब्रेन के कुछ हिस्से में लगातार कुछ चेंजेस आने के कारण आपकी ब्रेन पावर भी कमज़ोर होने लगती है, जिसका नाम है अल्जाइमर डिजीज़। ये अल्जाइमर डिजीज़ यानी एजिंग प्रोसेस के साथ साथ ब्रेन में होने वाले चेंजेस से और मेमोरी को कम करने वाली बीमारी के होने वाले खतरों को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्पफुल होता है। जो लोग इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं उनको अल्जाइमर का खतरा काफ़ी गुना तक कम हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ई बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब एजिंग प्रोसेस होती है तो उसके साथ साथ इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होने लगती है, जिससे बुज़ुर्गों को बार बार बीमार होने का खतरा काफ़ी गुना तक बढ़ता है। तो ये उन खतरों को कम करता है, साथ ही आपकी जो जॉइंट है उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जॉइंट्स के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में भी काफ़ी यूज़फुल होता है। मेल इनफर्टिलिटी में स्पेशली स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मददगार होता है। इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी में ओवुलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ओवम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए इनफर्टिलिटी के केसेस में विटामिन ई का इस्तेमाल करना काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि विटामिन ई के इतने सारे फायदे होते हैं, तो क्यों ना हमें ये जानना चाहिए कि विटामिन ई का सही सोर्स क्या होता है, किन किन खाने पीने की चीज़ों में हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं और इनको लेने का और खाने का सही तरीका क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन है विटामिन ई के लिए वीट जर्म ऑयल। वीट जर्म ऑयल में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, एक रिच सोर्स होता है विटामिन ई का। अगर आप एक टेबल स्पून वीट जर्म ऑयल को लेते हैं तो इससे आप अपनी डेली की ज़रूरत के विटामिन ई को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है सनफ्लावर सीड, यानी सनफ्लावर सीड को अगर आप तवे पर रोस्ट करके इसको खाते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। इसके अलावा आप नट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नट्स में स्पेशली आप मूंगफली ले सकते हैं जिसमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियों की अगर बात करें तो स्पेशली टमाटर, पालक और ब्रोकली में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। फ्रूट्स में स्पेशली एवोकेडो, मैंगो और कीवी में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या दवाइयां ले सकते हैं। इनमें स्पेशली 200 mg, 400 mg और 800 mg के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जिसमें आप 200 से लेकर 400 mg पर डे ले सकते हैं और इसको खाने के बाद लेना है। लेकिन आपको 3 महीने से ज़्यादा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जिसके कॉम्प्लिकेशंस 3 महीने से ज़्यादा लेने से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विटामिन ई को अगर रेगुलर अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं यानी खाने पीने की चीज़ें अगर विटामिन ई रिच लेते हैं तो आप इसको लगातार ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, किसी न किसी तरह का नॉलेज आपने इससे ज़रूर लिया होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।